जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर से सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 21 सितंबर 2019 दिन शनिवार, अश्विन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि शाम 8:21 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से लेकर 12:38 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:13 से लेकर 10:44 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी आप अपनी पढ़ाई के संबंध में करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है। आज ये इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करेगा। आज आपके ताया जी या चाचा जी के घर से भी आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखने की जरूरत है क्योंकि आप अपना पैसा ऐसी चीजों में व्यर्थ कर देते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। आज आपके गृहस्थ जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा और आज अपने पार्टनर की दिल की बात समझकर आप उन्हें खुश कर देंगे। आज आपको उनके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आना चाहिए और उनको चौंकाना चाहिए, इससे आप दोनों के संबंधों में मदद आएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज आपसे ज्यादा पेशेंट्स मिलने आएंगे। आज पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज दमे के रोगियों की चिकित्सा के लिए किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में डोनेशन देने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या आप अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही
करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं या आपके धन प्राप्ति में देरी हो रही है तो आपको आज इस उपाय को निश्चित तौर पर करना चाहिए। उपाय के अनुसार किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाएं और अपने साथ एक नारियल लेकर जाएं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर पर 7 बार फेर लें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का जप करते रहें। सिर पर फेरने के बाद नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ दें। इस उपाय को करने से यदि आज आप कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। कहाँ से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरुजी के पास आए, गुरु रजनीश ऋषि जी के पास और गुरु मारुकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो ही रहा हूँ। आपको गुरु जी ने कितनी रिंग्स पहनाई? रिंग्स दिखाओ। चार लिंग है, मैं लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है, और 100% पॉजिटिव हूँ मैं। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरुजी गुरुवा के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरुजी से जरूर मिले, और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था, बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत पंडित जी के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाग पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? क्या आपको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा?
क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता होकर के टूट जाता है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें